अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेलकम टू अल्पाहार, मेरा नाम अल्पा शाह है। आज हम पनीर बनाने वाले हैं, लेकिन फ्लेवर्ड पनीर, दो तरह के फ्लेवर्ड पनीर बनाएंगे। पनीर में बनाते समय ही उसकी हमें फ्लेवर दे देनी है। ये फ्लेवर्ड पनीर आप बहुत सारी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं और ऐसे रॉ भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। उसके लिए मैंने एक पैन में आधा लीटर दूध लिया है, ये फुल फैट मिल्क है, इसे हम बॉईल आने देंगे। मैंने ये 2 टेबलस्पून विनेगर लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून मैं पानी डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। दूध को फाड़ने के लिए मैंने विनेगर यूज किया है, आप चाहे तो दही या नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है, अब हम सीजनिंग कर देंगे। गैस को थोड़ा स्लो करेंगे। सबसे पहले हम हर्ब्स फ्लेवर का पनीर बनाएंगे। उसके लिए 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरेगानो, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च। अच्छे से सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। अब एक और बॉईल आने देंगे, उसके बाद हम विनेगर वाला मिक्सचर डालेंगे। बॉईल आ गया है, 1-1 टीस्पून करते हुए हम इसमें मिक्सचर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं दूध कर्डल होने लगा है। और 1 टीस्पून डालेंगे, गैस को बंद कर देंगे। देखिए पनीर अलग हो गया है और पानी भी अलग हो चुका है। टोटल 3 से 4 टीस्पून में हमारा पनीर बनके रेडी हो गया है, आप देखिए। ये फ्लेवर्ड पनीर आप बहुत सारी रेसिपी में, फ्रेंकी में, सैंडविच में, अलग अलग तरफ से इसे यूज कर सकते हैं। अब हम छान लेंगे। छानने के लिए मेरे पास इस तरह का मोल्ड है, एकदम पतली छन्नी वाला स्क्वायर मोल्ड। इससे हमारे स्क्वायर पीसेस अच्छे से निकल आएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मसलिन क्लॉथ में इसे छान सकते हैं। अब हम सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। और इसे 1 स्पून की सहायता से अच्छे से दबा के शेप दे देंगे। सारे फ्लेवर हमारे पनीर में आ गए हैं। इस तरह से दबाते हुए करेंगे तो पानी भी नीचे से निकल आएगा। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। हर्ब्स वाला पनीर को मैंने डीमोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तैयार हुआ है ये फ्लेवर वाला पनीर। अब हम दूसरा पनीर बना लेंगे। अब फ्लेवर्ड पनीर में दूसरी तरह से हम एक चटपटा पनीर बनाएंगे। बहुत ही टैंगी टेस्ट आता है इस पनीर का। आप किसी भी चाट में भी इसका इस्तेमाल या सैलेड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है इसका। उसके लिए मैंने ये 1/2 लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क, जिसे हम पहले गरम कर लेंगे, एक बॉईल आने देंगे। बीच बीच में इसे जरा चलाते जाएंगे। दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है, गैस को हम स्लो करेंगे। अब हम इसमें धनिया, पुदीना और मिर्ची की पेस्ट है, 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं, मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें नमक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पेस्ट में मैंने नमक डाला है।
मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने विनेगर और पानी का जो मिश्रण बनाया था वो एक एक टीस्पून करके डालेंगे। एक साथ में हमें ज्यादा नहीं डाल देना है, बहुत ही चटपटी ऐसी खुशबू आ रही है। धीरे धीरे पनीर कड़ल होने लगा है। एक टीस्पून हम और डालेंगे। पनीर अच्छे से कड़ल हो गया है, आप देख सकते हैं। गैस को बंद करेंगे। पानी और पनीर अलग हो गया है, हम इसे छन्नी में छान लेंगे। अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करके इसका पानी हमें निकाल देना है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। दो टाइप के फ्लेवर्ड पनीर मैंने सर्व कर लिए हैं, हर्ब्स वाला पनीर और चटपटा पनीर। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।